गीता कपूर ने 59 साल की उम्र में ओल्ड एज होम में अंतिम सांस ली और खबर है कि फिलहाल पुलिस उनके ब्लड रिलेटिव्स का इंतज़ार कर रही है। फिल्म मेकर अशोक पंडित, जिन्होंने गीता कपूर की मदद की थी, उन्होंने बताया कि गीता जी को कपूर अस्पताल में रखा जा रहा है और वो परिवार के लिए 2 दिन इंतज़ार करेंगे। अगर कोई दावा नहीं करता तो वो अंतिम संस्कार करेंगे। जी हाँ, उन्होंने लिखा, हर बॉडी विल बी केप्ट एट कूपर हॉस्पिटल फॉर 2 डेज, होपिंग हर चिल्ड्रेन टू कम एंड एट लीस्ट डू द लास्ट राइज, अदरवाइज वी विल डू आर बेस्ट टू बिड हर अ डिग्निफाइड गुड बाय। थैंक यू #DrTripathi SRV Hospital @MumbaiPolice #JeevanAshaOldAgeHome फॉर बीइंग अ ग्रेट हेल्प। साथ ही साथ बीते दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम रह चुकी गीता की दर्दनाक कहानी सामने आई थी। जी हाँ, गीता का पेशे से कोरियोग्राफर बेटा राजा कपूर अपनी 58 साल की माँ को अस्पताल में भर्ती कर फरार हो गया था और गीता कपूर फिल्मी दुनिया में माँ का भी किरदार निभा चुकी हैं। गीता की पिछले महीने तबीयत खराब हो गई थी। बता दें आपको कि गीता के बेटे राजा कपूर ने उन्हें एक निजी अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाकर 21 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती करा दिया था और फिर अस्पताल में भर्ती कराने के बाद राजा वापस ही नहीं आया। साथ ही जिस घर में राजा रहा था वो उस घर को भी छोड़कर जा चुका था और बीते ज़माने की अदाकारा गीता ने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। साथ ही गीता की चर्चित फिल्म पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान रही हैं। बता दें आपको कि गीता ने बताया कि वो पाकीज़ा में राजकुमार की दूसरी बीवी के किरदार में थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।